ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੋ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਵਲ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਹੀ ਐਨਓਸੀ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਜਦਕਿ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਨ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਪਏਗਾ लीगल माइनिंग जी अगर मापदंड की गल करिए असं 3 फुट तो ज़्यादा इलीगल माइनिंग नहीं कर सकते एक तो पूरी जी भी एक रूल्स रेगुलेशन होती पूरी तरह से वायलेशन हो रही है ना ही जो प्राकृतिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहें कि नैचुरल रिसोर्स कोई छेड़खानी नहीं कर सकता ये आदेश की भी पूरी तरह उलंघना की जा रही है असं प्रशासन अगर बड़ी बार गुहार लगाई अपनी स्पीक इंडिया परिवहन संस्थान की बैनर तले लगातार धरने प्रदर्शन भुख हड़ताल भी की गई हैं लेकिन जड़ा इलीगल माइनिंग रोक लगनी चाहिए वह तक नहीं लगे विकास को ताक पर रखकर अगर हमारे जो प्राकृतिक स्रोत हैं उनके साथ छेड़छाड़ी की जाएगी तो ये मानव सभ्यता के लिए काफ़ी नुकसानदेह है और यहाँ पर आप देख लीजिए जो क्रेशर हैं ये धड़ाधड़ मुनाफा कमाने के लिए इनलीगल माइनिंग करे जा रहे हैं सरकारी नाम्स को ताक पर रखकर आप देख रहे हैं सामने JCBs लगी हैं और धड़ाधड़ ये मतलब माइनिंग करते जा रहे हैं कोई भी नाम्स नहीं है सिर्फ नाम्स को ताक पर रखकर किया जा रहा है रेत माफिया की पहुँच की गल करिए उन्हां दी सीमा केवल महकमे जां प्रशासन तक ही सीमित नहीं कानून की धज्जियां उड़ा रहे वह बजरी अते रेते दे भरे ट्रक दिन दिहाड़े कच्चे राहां राही रेलवे के पुलों के हेठों की लंघा रहे हैं जम्मू रेंज के IG मुताबिक इस माफिया की छत्र छाया हेठ होर भी अपराधी कार्रवाइयां नूं अंजाम दे रहे हैं पंजाब तो राहवी राही जम्मू नूं समगलिंग भी हुंदी है ब्रॉडली तो जो मूवमेंट है वो लखनपुर बैरियर से होती है मगर इसके साथ साथ क्योंकि जो बेड है रिवर का वो कभी पानी का लेवल जब नीचे होता है तो उसके बीच में से ट्रैक्टर ट्राली और कभी कभी ट्रक की मूवमेंट शूमेंट्स भी बीच बीच में होती रहती हैं इसका बहाना बेसिकली ये रहता है कि क्योंकि खेती बाड़ी का रहता है साजो सामान आगे पीछे चलते मगर इसके साथ साथ खेती बाड़ी के साथ साथ कभी सीमेंट की स्मगलिंग जो पंजाब के लिए ही सेल होना होता है वो क्रॉस करके इधर आता है अभी पिछले हफ्ते ही हम लोगों ने 2-3 जगह पे रेड करके रजौरी में पकड़ा है कठुआ में पकड़ा है तो ये एक नेक्सस इस तरह का भी चलता है मगर फिर भी ये जो है वो इस तरह की मूवमेंट जो है उसकी आड़ में कभी कोई ऐसी मूवमेंट भी हो सकती है जो खतरे का सिक्योरिटी के एंगल से बायस बन सकती है उसको चेक करने की ज़रूरत है रावी उपर रेल दे बने पुल दे हेठां दी ट्रकां दी आवाजाई नूं रेलवे विभाग भी गैर कानूनी मानदा है पर सारे मामले दा गलबा जिला प्रशासन उपर सुटदियां अपनी जिम्मेवारी तों पल्ला झाड़दा है हैरानी दी गल इह है कि पुल दी रखवाली लई पुलिस दी चौंकी भी बनी हुई है पर पैसे दे जोर ते पुलिस भी अखां मीटी बैठी है अगर राज्य सरकार को रेलवे की किसी तरह की सहायता की आवश्यकता है अगर वो बैरिकेड वहाँ पे लगाना चाहते हैं तो हमें अप्रोच कर सकते हैं हम वहाँ एग्जामिन करके बैरिकेड लगाने की उनको परमिशन दे सकते हैं रावी दरिया दे विच हो रही गैर कानूनी गतिविधियों बारे पठानकोट जिले के डिप्टी कमिश्नर अते SSP नाल गलबात कीती उन्हें जिला नवा बनया होंदा बहाना बना मामले की गहन जांच की गल तां कही पर किते ना किते वह भी माफिया अगे गोडे टेकदे दिखे इलीगल माइनिंग और ट्रस्पास माधोपुर एरिया जो पठानकोट जिले के की एक एरिया में हो रही है उसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है उस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक मैं SSP और जो कंसर्न माइनिंग ऑफिसर है उससे मीटिंग करवा के जो भी इश्यू के बारे में डिटेल से स्टडी करवा के जो भी कार्रवाई बनती है वो तुरंत की जाएगी एक्चुअली जो इशू है वो DC गुरदासपुर से पहले डील कर रहे थे हूँ नवा जिला जो पठानकोट बनी हुई है हूँ जो भी हमारी तरफ से जो भी इश्यूज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कथुआ या जम्मू कश्मीर की और कोई डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है वो अभी हम डायरेक्टली डील करेंगे और जो भी इश्यू हमारे बीच में है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कथुआ से डायरेक्टली डील करके उसकी सोल्यूशन जल्दी निकालेगी देखो मैं रिसेंटली ज्वाइन किया है तो नवा जिला बना है तो SSP के तौर पर मैं होने जो पिछले हफ्ते ज्वाइन किया है ये चीज़ मेरे नोटिस नहीं सीखी है उसी नोटिस ली है मैं उन्हें स्टडी करूँगा आप भी जाऊँगा मौका भी देखूँगा जी मिली गलती है तो खिलाफ उसके मुताबिक कराँगे रावी दरिया का एक किनारा पंजाब विच है दूजा जम्मू कश्मीर विच अकले माधोपुर के बेड़िया इलाके विच
100 तो वध स्टोन क्रैशर लगे हुए ने अते 10 घंटे लगातार चल के एक स्टोन क्रैशर 22 दिनों विच एक किले जमीन विचों पुठिया पत्थर की बजरी बना लैंदा है। इकल्ले बेड़ियां इलाके की गल करिए इत्थे सिर्फ पंजाब वल्लों 47 एकड़ जमीन विच ही खुदाई लई ठेका दिता गया है। सो 100 क्रैशर 22 दिनों विच 100 एकड़ की पटाई कर लेंदे ने। हुण सवाल यह खड़ा हुंदा है कि लगातार चलन वाले इन्हां क्रैशरां लई उन्हां दे मालक पत्थर कित्थों लियांदे ने। जेकर सरकारी अंकड़ियां मुताबक चलीए तो इन्हां 47 किल्यां विचों 3 साल तक पटाई तरतीब वार 3 हिस्सों में वंड के करनी है, पर सरकारी अंकड़े इत्थे विगड़दे दिखे। क्रैशर मालक ठेकेदारां नाल मिल के गैर कानूनी खुदाई कर रहे हैं। इस विभाग के पंजाब के मंत्री माधोपुर विच हो रही खुदाई का ठोस जवाब नहीं दे सके। इदा अज्यूम नहीं कर सकते, डिपार्टमेंट कलैप्स भी नहीं असं होने देना। चीज़ नोटिस लिया असं बहुत सीरीयसली लैके इतने एक्शन। माइनिंग संबंधित टर्म्स एंड कंडीशन की गल करिए इत्थे ठेकेदार अपने खर्चे उपर रॉयल्टी दियां पर्चियां छपवा के संबंधित अधिकारी दे दस्तखत करवा के कट्टेगा। इत्थे असलियत कुछ हो रही है, सानू इस तरह दियां पर्चियां किते भी देखण नूं नहीं मिलियां, सगों बेनामी पर्चियां ट्रक ड्राइवरां कोल जरूर सन जिन्हां दा कोई हिसाब किताब सरकारी रिकॉर्ड विच नहीं है। पर इत्थे मंत्री जी दा की कहना है सुनो। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਏਗੀ ਜੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਮਸ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਅਜ਼ਿਊਮ ਪੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅਨਲੈਸ ਸਮਬਡੀ ਬ੍ਰਿੰਗਸ ਇਨ ਰਿਕਾਰਡ। ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਜਾਂ ਚੱਲਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧੜਾ ਧੜ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੁਟਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਿਲ੍ਹੇ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਉਂਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਅਵੇਅਰ ਹੋਈਦਾ। ਬਾਕੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਆਫਿਸਰਸ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਆ ਔਰ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਆ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਖੱਡ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਫਸਰ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਦਿ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਖੱਡ 'ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਸੰਬੰਧੀ ਖੱਡ ਦਾ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਕਸ਼ਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, पर सानू नक्शे वाला बोर्ड कितें भी देखण नूं नहीं मिलिया। तो इस संबंधी मंत्री जी की कहिंदे ने सुनो। ठीक है जी, पता करवा लैंदे आ, जिथे जिथे मिसिंग आ उत्थे असीं पता करवा के उन्हूं लवांदे आ ऑर्डर। रेगुलेशन 106 ऑफ मेटली फोरिस माइंस रेगुलेशन 1961 के तहत बैच बनाए बिना निकासी नहीं हो सकती। मैदानी फर्श से छोटे खनिजां की निकासी वध तो वध 10 फुट डूंघाई तक ही की जा सकती है, पर असलियत कुछ हो रही है। खड्डां की डूंघाई कई थावां ते 50 फुट तक भी है जी। ठीक है, थोड़ी गल हो सकती है जो तुम कहने, मैं डिस्प्यूट नहीं करता। पंजाब च बहुत सारिया खड्डां सैकड़ों की गिनती च ऑप्शन हुई है, हो सकता कि वायलेशन हुई हो, मैं कोई डिस्प्यूट नहीं। पर जिथे भी वायलेशन की कोई गल आएगी साढ़े ध्यान च आएगी, नोटिस आएगी, तुम जिस तरह लिया असं इतने बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लवेंगे। एक्चुअली डीसीज के एस एस पी को असं पहले ही कहा हुआ भी जो पॉलिसी है टर्म एंड कंडीशन तुम बहुत स्ट्रिक्टली एंड मेटिकुलसली इनफोर्स करानी है, और सानू कितों शिकायत भी आती असं उसी वेले डीसीज को कॉल अपॉन करीदा है और उस शिकायत दूर करवाई दी है। असी एक रिमाइंडर हमने तैयार किया है और डीसीज ते एसएसपी नूं द्वारा कढ रहे हैं कि कोई भी वायलेटर हैगा उत्ते कानून की कार्रवाई की जाए, जिथे एसेंशियल क्वांटिटी एक्ट एप्लीकेबल होगा वह भी लगाया जाए। ऐतकी तो इन्ने स्ट्रिंजेंट प्रोविजन असी बनाए हैगे आ। जिहड़े वायलेटर्स आ उह उहनां दा अपना एक तरीका हुंदा आ वर्किंग दा, ते सरकार ने एनफोर्समेंट करनी हुंदी आ, असी उहदे वल पूरा ध्यान दिंदे। राज दे मुख दरिया जिवें सतलुज, ब्यास, रावी अते चक्की आदि दे हड़ रोकू बन्नां तों 100 मीटर तक अंदरले पासे हर किस्म की निकासी ते पाबंदी होवेगी। इस तरह उक्त बन्ना दे बाहरले पासे 500 मीटर दे रकबे ते हर किस्म की निकासी की भी पाबंदी होवेगी, पर क्रैशर मालिक अते ठेकेदार इस पाबंदी की घोर उलंघना कर रहे ने। इत्थों तक कि तुसी बन जां किनारे दे ऐन उपर जेसीबी मशीनां राही डूंगी पटाई की जा रही है। एक होर शर्त मुताबक हाई लैवल पुल तो दरिया के उपरले अते हेठले पासे 500 मीटर तक हर किस्म की निकासी ते पाबंदी है, पर पठानकोट विच चक्की नदी उपर रेल पुल तो ढह ढेरी हो गया है,
उत्थे रावी ते बनया रेल पुल जो जम्मू कश्मीर नू जोड़दा इको एक पुल है दे 500 मीटर घेरे विच शरेआम दिन दिहाड़े निकासी हो रही है। एक होर शर्त मुताबिक वाटर टेबल यानी कि पानी की सतह तो थले निकासी जां पटाई नहीं हो सकती। इस शर्त की पालना तो रावी अते आस पास के इलाके विच किते भी देखण नू नहीं मिलती। आखिर इन्हां सारियां शर्तां की उलंघना बारे पंजाब दे मंत्री नू पुछिया तां उन्हां पड़ताल करन दा भरोसा दिंदे साडा धन्नवाद कीता। हल्केपन की गल नहीं है, मतलब असं बहुत इस मामले गंभीर है, तुसी असी उल्टा तुहाडा धन्नवाद करदे हां, तुसी साडे नोटिस च इह चीज़ां लियांदे हो। कई बार इस तरह होंगे फील्ड की रिपोर्ट उपर नहीं प्रॉपर पहुँचती और असं वो कर्मचारियों से भी एक्शन लवेंगे जिन्होंने सानू भी नेरे च रखा, जे जे सच्ची मुची वायलेशन निकल दी ऐसा असं उन्होंने भी नहीं बख्शांगे और जोड़े वायलेटर्स होंगे उन्होंने अगेंस्ट भी डीसी से एस एस पी को सख्त कार्रवाई करेंगे। साड़ी इस इन्वेस्टिगेशन दे विच एक गल उभर के सामने आई है कि जो रावी दरिया है इस दे विच पंजाब अते जम्मू कश्मीर की सीमा जिहड़ी है निर्धारित नहीं है, अते जेकर सीमा निर्धारित नहीं है तो इत्थे माइनिंग का ठेका क्यों दिता गया, कित्थों ये माइनिंग हो रही है, किहड़े प्रदेश दे विच माइनिंग हो रही है, एक गल जिहड़ी है बिल्कुल सानू इत्थे स्पष्ट नहीं हो रही। अते इसे गल का फायदा इस माइनिंग दे ठेकेदार उठा के अपने जेबां भर रहे ने अते दोवां सूबयां नू चूना ला रहे ने। कैमरामैन अमन गुप्ता दे नाल स्वर्ण सिंह दानेवालिया डे।